तो हे मेरे सही दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे यार। और सब ने यार रिवील स्टफ का सेकंड पार्ट देख लिया होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये सेकंड पार्ट। तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा सेकंड पार्ट के सारे न्यूज़ के बारे में, क्या क्या इवेंट आ रहे हैं आपको देखने को मिलेंगे सेकंड पार्ट्स में। तो फटाफट चलो शुरू करते हैं इस बात को लेकर कि क्या क्या इन्होंने स्टार्ट किया। देखो सबसे पहले तो चांस टाइम सेकंड टाइम दो बार आता है, तो सेकंड पार्ट वाला चांस टाइम आ रहा है। होप करता हूँ जिनको कुछ नहीं मिला है इस बार मिल जाए। तो लगते हैं कौन कौन सा लकी नंबर इस बार चूज़ करते हैं। तो ये आपको मिलेगा सेकंड पार्ट में सेकंड एनिवर्सरी चांस। फिर आपको सेकंड न्यूज आता है फ्रूट बैटल फुल पावर ब्रॉली का जो बैटल देखने को मिलेगा, जहां आपको गोचीटा की जी पावर्स और हाँ एनिवर्सरी मेडल भी होगा। तो जो लोग एनिवर्सरी मेडल ढूंढ रहे थे, यहां से आप एनिवर्सरी मेडल कलेक्ट कर सकते हो, कम से कम 40 के आसपास मिल जाते हैं आपको। तीसरी न्यूज़ रहे, फ्री में LF मिलने वाले हैं आपको, दो फ्री में LF मिलेंगे। और आपको ये टिकट कलेक्ट करने होते हैं, 20 समन टिकट मिलेंगे, जहां पर 10-20 करेक्टर मिलेंगे, जहां पर एक आपको लेजेंड लिमिटेड गारंटी ड्रॉप होगा। तो ये चांस मत मिस करना टिकट कलेक्ट करने का, अभी इवेंट आएंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद जो ये इवेंट में आपको कौन कौन से LF हो रहे हैं, इनके यहाँ पर डिटेल आ गए हैं, सेल होने वाला है नया वाला, नया सेल वही ऑब्वियस सी बात है जो LF सेल एक ही है। उसके बाद गोहान भी देखने को मिलेगा आपको, उसके बाद आपको ये गोकू वेजिटा भी देखने मिलेंगे, इसका मतलब नए नए करेक्टर इस वाले में है फ्री टिकट, जो कि ये जो टिकट है 12 जुलाई तक यूज हो सकता है। तो बहुत अच्छी है, लंबी डेट है, तो आई थिंक ये जो समन टिकट कलेक्ट करना आई थिंक बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस होगा, लाइक मुझे लग रहा है एक या दो दिन में नहीं हो सकता है, क्योंकि आई थिंक इवेंट आएंगे उसी हिसाब से इवेंट में टिकट होंगे। देखते हैं अभी कैसे देते हैं रिवेट टिकट, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से एक दिन में शायद आप 20 मल्टी टिकट नहीं कलेक्ट कर पाओगे। आई थिंक धीरे धीरे कुछ इवेंट में डाल के ये आपको टिकट देने वाले हैं। तो अच्छी बात है, दो फ्री LF आपको गारंटी ड्रॉप मिलने वाले हैं, और हमें एक पहले से मिल ही रहा है। ओके, तो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट जानकारी मिल रही है ये पुराने वाले पिकलो की, तो जो लोग डे वन से खेल रहे हैं उनको पता होगा कि ये जो स्पार्किंग है ये पहला स्पार्किंग रहा है। पहले तीन स्पार्किंग जो थे गोकू में, रेड वाला गोकू था, ग्रीन वाला ये पिकलो था, और पर्पल वाला उस काउंटर वेजिटा था। ये तीन स्पार्किंग पहले स्पार्किंग समन वाले थे, तो ये पहला बैनर का पहला स्पार्किंग है, तो इसको अब जाके जानकारी मिल गई है। तो उतना कोई हाइप करेक्टर नहीं है, बट एक थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा, बूस्ट भी आई थिंक क्या मिलता है क्या किट बढ़ने के बाद ही चेक कर। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपकी है, नेक्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हो कि स्टैम्प रैली कलेक्शन की बकवास फिर से वापस आ चुका है, और मेरे ख्याल से इसको कंप्लीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो लास्ट टाइम मैंने कंप्लीट खुद नहीं किया था, तीसरा दो स्टेप किए थे, तीसरे पे किया नहीं था, फिर भी मिल गया था। तो ये पता नहीं क्या सीन था इनका, बट हाँ फिर से ये आ चुका है, और ये फिर से आपको वही करना है, बकचोदी इसकी लिंक आएगी या फिर आके ट्विटर कंपेरिजन करो। मैंने तो नहीं किया था लास्ट टाइम, बट मुझको मिल गया था CC, ठीक है, इन गेम आपको CC मिल जा रहा था, आपके ऊपर है फिर से करना या मत करना, ये आपके ऊपर है। बट शायद इस बार उन्होंने रिवॉर्ड को डबल अप कर दिया है, पहले आपको मिले थे 150 CC, और अभी इन्होंने जो रिवॉर्ड है उसको अप कर दिया है, उन्होंने 300 CC कर दिया है, ठीक है। तो ये इट्स ऑन यू, आपको करने का मन है तो कर लेना। यहाँ पर साथ देख लो आप 300 CC और 30 रेजर आपको दे रहे हैं, तो ये उन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही बकवास इवेंट रहे हैं, कोई भी ढंग का इवेंट नहीं आ रहा, कोई भी ढंग का इवेंट कुछ नहीं आ रहा जहाँ CC ग्रिंड कर सकते हो आप, बहुत ही बकवास है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही थी कि कोई भी अच्छा इवेंट इन्होंने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या क्या कोई इवेंट क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि स्टैम्प रैली का जो लिंक आएगा वो आप DB लेजेंड्स वाले इंग्लिश वाला वर्जन और जापानीज वर्जन दोनों में आएगा, तो वहाँ जाके आप कलेक्ट कर सकते हो। देखो गाइस बहुत ही गुस्सा आ रही थी मुझे, कोई भी CC इवेंट ग्रिंड करने को आपको देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो भी आ रहा है आप कैंपेजिन के थ्रू मिल रहा है, मतलब जहाँ आपको कुछ करना नहीं है, आपको 300 CC या 500 CC से करके गेम इन द गेम आपको ग्रिंड कल PP से कर सकते हो, या फिर कुछ और करके कर सकते हो। उसके बाद स्टैम्प रैली कैंपेजिन में ये अभी स्टार्ट होगा 5 जुलाई को, अगले महीने से शुरू होगा, तो उसके लिए वेट करना है, पता नहीं क्या इन्होंने, ये भी ऑनलाइन कैंपेन ही है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हमारा जो मेन टॉपिक है नया कैरेक्टर, तो देखो नया कैरेक्टर के ऊपर इन्होंने क्या निकाला, हीरो टेपियन निकाला है। हीरो टेपियन आपको पता है कि सपोर्ट यूनिट होने वाला है, और ये बहुत ही थोड़ा इसका डिफरेंट लगा जब ये शायद मरने के बाद बफ दे के जा रहा है, ये देखो मरने के बाद ये शायद इसमें सीन हो गया, और ये शायद अपने इसके डैमेज जो है स्टैंड बाई यूनिट को भी डैमेज करेगा। उसके बाद जब ये आ गया, सबने गेस कर लिया होगा सुपर सायाजिन 3 गोकू आ गया, और भाई ड्रैगन फिस्ट वाला बहुत लोग कह रहे थे भाई मुझको ये चाहिए, ये यूनिट चाहिए, लो भाई साहब आ गया, ये भी आ गया। तो एक और हाइप करेक्टर जो गेम में बहुत टाइम से नहीं था, ये भी आ चुका है, तो मूवीज़ को बफ मिला है और भी। और देखो इन्होंने ब्रॉली को जो साइन इक्विपमेंट दिया था, तो ये बफ ही कर रहे थे आई थिंक मूवीज़ को देकर,
तो भाई साहब, लेकिन यार एक चीज़ बहुत ही गलत हो गई है, सही बता रहा हूँ। एनिमेशन वाइज तो ठीक लग रहा है, कोई बुरा नहीं है, LF एनिमेशन ही सब कुछ होता है। देख लो ये तो आधा सामान एनिमेशन दिख रहा था, सामान एनिमेशन आपने देखा होगा, LSS 3 का तो देखा ही होगा। ये सब कुछ थोड़ा ठीक था, ये थोड़ा डिफरेंट था, बस ये जो लास्ट का सीन था लाइक दिस वन LF का, ये साला यही अलग था, यही थोड़ा डिफरेंट था। और डेड सीट बाकी तो मुझे इस एनिमेशन में उतने कुछ खास एनिमेशन लगी नहीं, बट SS3 आ चुका है। और ऐसे इन दोनों की किट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी किट है SS3 की। गेम प्ले आप देख सकते हो यहाँ पर कि TP1 का जो गेम प्ले है काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि दो स्पार्किंग होने वाले बैनर पे, एक साइड स्पार्किंग जो 1% वाला होगा और आपका 0.50 होगा स्पार्किंग जो LF वाला होगा। और ठीक था यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो मरने के बाद इसको बफ मिलेगा, क्योंकि इसे कुछ खास खुद का तो है नहीं, तो यहाँ पर जब ये रोजेस को मार देगा, जब ये मरेगा तो ये मरने रहेगा तो ये सीन होगा इसका, ये अपना आएगा मरने के बाद ये डैमेज देगा और स्टैंड बाई यूनिट को भी शायद डैमेज होगा। उसके बाद ये मरने के बाद स्विच हो जाएगा, ये जो स्विच हो रहा है ये आपका जो स्टैंड बाई करेक्टर वो अपने आप फील्ड में आ जाएंगे, मतलब आई थिंक बफ ऑफ कुछ सीन है ऐसा। ठीक है, अभी मैं किट को ठीक से रिवील करूँगा, कल के वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद सुपर साइयन 3 की हम बात करें गेम प्ले की, तो देखो सुपर साइयन 3 बहुत अच्छा किट लगा मेरे को, बहुत ही बढ़िया किट है, किट में कोई ख़राबी नहीं है। देखो बैटल फील्ड में आता है, 90% डैमेज करता है वो है इसके पास। उसके बाद कार्ड ड्रॉ की स्पीड है, ठीक है, उसके बाद इसके बाद 60% का डैमेज कट भी है। उसके बाद जब ये क्या करता है, जब इसकी गॉज होती है, गॉज स्ट्राइक से भरेगी या दो इसके करेक्टर मर जाए तो स्ट्राइक कर करके आपको गॉज और ब्लास्ट कार्ड करके और फिर गॉज भर देनी है, वो भर जानी है, वो बहुत ही आराम से भर जाएगी। आई थिंक 7-5 कार्ड में भर जाएगी, हाँ 7-8 कार्ड लग जाएंगे उसको भरने में, ठीक है, बहुत ईजिली भर जाएगा वो आपका। उसके बाद जब वो भरी जाएगी तो 20% की HP मिलेगी आपको, आपका वैनिश रिस्टोर हो जाएगा, एनिमी की वैनिशिंग 0 हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बहुत ही कमाल की किट लगी मुझे वैसे तो। बताना आपके कमेंट सेक्शन में कि आपके पास कितने सीसीज हैं, मैं आपसे मिलूंगा कल समर वाली वीडियो में, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर भी कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं आपके कल की वीडियो में गाइस, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर ऑल।